morning, dear students. Myself Tarun Dubey. I am your assistant teacher. Today, I will start economics third chapter, poverty as challenge. Dear students, as you know, I have already sent to you the previous lecture about this chapter. Today, I will start only two topics. This is the last topic of the chapter. Causes of poverty in India. यानी भारत में गरीबी के क्या कारण हैं? And the next. अगर आप टॉपिक की बात करें तो करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, यानी कि भारत में गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर वीडियो रहा है वो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड रहा है। इंट्रोडक्शन, एज यू नो, इंडिकेटर्स आपने देखा, वल्नरेबल ग्रुप्स एंड वल्नरेबिलिटी आपने देखा, पॉवर्टी लाइन आपको पता है, एज यू नो बेस ऑफ पॉवर्टी लाइन टू टाइप्स। फर्स्ट अगर बात करें तो कंजम्पशन लेवल हो जाएगा, और अगर सेकंड की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इनकम लेवल हो जाएगा। एंड दिस इज अलॉटेड बाय द एनएसएस, सो नेशनल सर्वे सर्वे सैंपल ऑफ इंडिया। यानी इस तरह का आपका जो है एनएसएस की अगर बात हो, ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का सबसे बड़ा सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हमारे देश में पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करता है, एनएसएस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा था पॉवर्टी ग्रेड्स इन इंडिया, यानी भारत में पॉवर्टी की ग्रेड्स क्या है। तो आपने देखा कि रिड्यूस हो रही है, नो डाउट पॉवर्टी इंडिया में रिड्यूस हो रही है, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन इतना रैपिडली इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो जितना भी रिड्यूस हो रही है उसके कंपेरिजन में आपका पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से इसका जो मेन आउटपुट है वो ज़्यादा नहीं दिखता है। तो यही मेन कारण है कि हमारे भारत में जो है सबसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा है ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर पॉवर्टी ट्रेंड्स का नो डाउट कमी हुई है, लेकिन चूंकि वर्ल्ड आपको पता है कि काफ़ी देश है वर्ल्ड में, और अलग अलग देशों का जोग्राफिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पर कम पाया जाता है, कहीं का जोग्राफिकल एरिया जो है वो इन द व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल, यानी इंडस्ट्रियल वर्क के लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट होता है, कहीं का नहीं होता है। जैसे भूटान हो गया आपका, चीनी हो गया आपका, जांबिया हो गया आपका, ठीक है, ऐसे बांग्लादेश हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ये एक गरीब देश है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके की ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स की अगर बात करें तो नो डाउट रिड्यूस हुआ है, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन इतनी रैपिडली वर्ल्ड लेवल पर बढ़ रही है, इसी वजह से उसका भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है। दूसरा आपने देखा इंटर स्टेट डिस्पार्टीज, अगर हम बात करें कि इंडिया में इंटर स्टेट डिस्पार्टीज की बात करें तो आपको पता है कि इंडिया में चूंकि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है, और हर राज्य की अपनी अलग अलग जो है ज्योग्राफिकल इसका एक क्वालिटी है, और ज्योग्राफिकल इसका जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक अंतर है, वो अलग अलग है। तो जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया है ना, तो ये सब जो स्टेट हैं ये काफ़ी पुअर कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, तो काफ़ी रिच स्टेट आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो इंटर स्टेट डिस्पार्टीज है वो काफ़ी डिफरेंट पाई जाती है, ठीक है। आज जो हमारा करंट टॉपिक होगा वो है कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत की गरीबी के कारण क्या है। तो अगर हम इसके रीज़न पे, यानी पॉवर्टी के रीज़न पे अगर हम फोर्स करेंगे, तो ये देखेंगे कि कोई रिसेंट रीज़न ही इसका मेन रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, कि भारत में गरीबी के लिए जो रिसेंट इशूज हैं, रिसेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो ही केवल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा, और खास करके भी कम से कम हमें ब्रिटिश रूल से इसको मेजर करना होगा। हालांकि आपने देखा कि मुगल एम्पायर और कहीं ना कहीं अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो चूंकि वो आए यहाँ पे अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया, कहीं ना कहीं यही रह गए, इन्होंने उन्होंने जितना यहाँ से लिया उन्होंने यही में इन्वेस्ट किया, तो उनको हम मेजर नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ब्रिटिश रूलर्स की बात करेंगे तो उसमें हम निश्चित तौर पर इस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया में मेंशन करेंगे। तो जो अगर फर्स्ट कॉजेज की बात करेंगे तो द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि जो ब्रिटिश का उपनिवेश, आपको पता है कि इंडिया इज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, और इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, का भारत जो निवेश था, और यहाँ पे जब अनेक फॉरेन पावर आई, जैसे आपके डच हो गए, बुल्गारी हो गए, फ्रांसीसी हो गए, अंग्रेज हो गए, यहाँ पे आए, और फाइनली आपने देखा कि वंडीवास वार हो, चाहे प्लासी वार हो, चाहे बक्सर वार हो, उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना जो पावर इस्टेब्लिश की, और न केवल ट्रेड में बल्कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना जो
जो एक प्लेस है उसको मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया, तो हम उन्हें बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई बहुत ही कम हुई। अब कैसे कम हुई, देखिए जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए उससे पहले हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बहुत ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट है ना, यानी कि हाथ से निर्मित हाथ से बुनने वाले कपड़ों का बहुत बड़ा उद्योग था और इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन इंगेज इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो जो भारत की अधिकतर जनसंख्या थी वो कहीं ना कहीं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में अटैच थी और उसी से वो एम्प्लॉयमेंट में लगी हुई थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स पहले क्या आए, मसाले की तलाश में आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने कॉटन पे अपना फोर्स किया, फिर उसके बाद में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे फोर्स किया। तो जब उन्होंने कॉटन पे फोर्स किया तो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ की कॉटन के जो ना मटेरियल्स हैं वो उन्होंने क्या किया कि चूंकि आपको पता है कि यहाँ 17th और 18th century में वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ था है ना, एक इंडस्ट्री रेवोल्यूशन भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं वहाँ मटेरियल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया कि जो कॉटन था उसका रॉ मटेरियल इन्होंने इंग्लैंड भेजना स्टार्ट कर दिया। तो जब यहाँ का रॉ मटेरियल इंग्लैंड चला गया और वहाँ से बने हुए प्रिपेयर गुड्स जो है वहाँ से सप्लाई होने लगे और इंडिया आने लगे, तो कहीं ना कहीं जो आपका हैंडीक्राफ्ट था या ये कह लीजिए कि आपका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गई और यहाँ पे यहाँ के अनेक लोग बेरोजगार हुए। और आपको पता है कि पावर्टी का जो मेन रीजन की बात आएगी तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की आएगी। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो निश्चित तौर पे अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं पाता है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो पावर्टी की ओर बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ब्रिटिश रूल के दौरान अनेक ब्रिटिश जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो जो इंडियंस के अगेंस्ट थी और उनकी अनेक पॉलिसीज ने जो है वो इंडियंस को क्या किया पावर्टी लाइन में ढकेल दिया, यानी बिलो पावर्टी लाइन में कर दिया। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो अनइक्वलिटी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे खास बात है कि यह हमारा ज्योग्राफिकल पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वो स्टेट हमने आपको पहले ही बताया कि उनका एक भौगोलिक स्ट्रक्चर अलग है, वहाँ की जो अनेक तरह की कंडीशंस हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में है या नहीं है ये वहाँ की तत्कालीन परिस्थितियों पे ही डिपेंड करता है, कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ जैसे क्या है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि वहाँ पे ब्लैक सॉयल पाई जाती है, यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, कपास के लिए होती है। जहाँ कपास होगा वहाँ से क्या होगा कि कपास के फूल निकलेंगे, कपास के फूल निकलेंगे तो उसे कॉटन बनेगा, कॉटन से अनेक तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं। तो आपको पता है कि जैसे बंगाल है तो वो क्या है कि कॉटन के हिसाब से वो रिच है, इसी तरह जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार के एरिया में अगर हम बात करेंगे तो उसी एरिया में बंगाल गुजरात महाराष्ट्र के सब सारे लोग आए, यानी कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे कपास का उत्पादन बहुत हाई लेवल पे होता है। तो ये सब सारे जो है ये सब कॉटन के रेफरेंस में बहुत ही रिच स्टेट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ही एक फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन पाई जाएगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगी, और जब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगी तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा तो लोग एम्प्लॉयमेंट पाएंगे और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होगा, सुधार होगा, रिफॉर्मेशन होगा, और उनकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो हाई होगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वहीं पे अगर हम उड़ीसा की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ना ही ज्योग्राफिकल सिचुएशन फेवर इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन और ना ही यहाँ की जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल लाइन रही है। तो हमारे यहाँ यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ कि लोग एम्प्लॉयमेंट के को सर्च करने के लिए यहाँ से माइग्रेट होकर करके वो महाराष्ट्र और दिल्ली वगैरह गुजरात वगैरह जाते हैं जहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्री पाई जाती है। तो इस तरह आपने देखा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशंस एंड रिलीजियस सेरेमनी। हमारे इंडिया में क्या है कि बहुत सारे जो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ये भी हमारे यहाँ की एक गरीबी के कारण है कि अगर कोई धार्मिक काम है तो जैसे मान लीजिए मुस्लिमों में
चाहे खाने को नहीं उनके घर में, लेकिन जब ईद आएगी तो 15,000 का बकरा आएगा बलि देने के लिए। ठीक इसी तरह हिंदुओं में भी है, चाहे घर में खाने का ठीक ना हो, लेकिन अगर कोई भी ऐसा अनुष्ठान हो रहा है, कोई भी मंदिर में कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो वहाँ पर उठाकर 1,000 रुपया दे देंगे। अपने घर के 3 बच्चों को कपड़े नहीं लाएंगे, चड्डी बनियान नहीं आएगी उनकी, लेकिन वो मंदिर में दान जरूर करेंगे। तो इस तरीके की जो इनकी एक मेंटालिटी हमारे इंडियंस की, तो वो भी गरीबी का निकाल है। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इनइक्वालिटी इन द इनकम ऑफ द पीपल, यानी कि भारत में जो लोग हैं यहाँ पे इन द व्यू ऑफ इनकम देर वी फाउंड द डिफरेंसेस बिटवीन रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन, यानी कि गरीब और अमीर की इनकम में बहुत ज़्यादा अंतर। मैं आपको बता दूँ कि भारत में जो 80% मनी है वो 20% लोगों के हैंड से सर्कुलेट होती है, और इंडिया में जो 20% मनी है वो 80% लोगों के पास। अब आप खुद देख लीजिए कि भारत में जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, भारत में जितना भी मनी फ्लो है, उसमें केवल 20% लोगों के हाथ में 80% का पार्टिसिपेशन है, और वो 20% लोगों के पास में केवल ये समझ लीजिए कि 20% मनी 80% लोगों के पास है। तो इतना जो ये जो बिग या ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर जो है वो सबसे बड़ा कारण है। आपको देखिए यहाँ पे लोगों को 100 रुपये मजदूरी का काम नहीं मिलता, और बहुत सारे ऐसे लोग भी जो 2 करोड़ के पैकेज में काम कर रहे हैं। इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, वो भी अनेक तरीके से आपको पता है। किसानों के साथ मिनिमम यानी कि जो MSP है, मिनिमम सप्लाई प्राइस जो है वो, यानी कि गवर्नमेंट जो मिनिमम रखती है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं जो इनकम का रेशियो हो वो डिफरेंसेस करता है। और आपको ये सारे जो 4 पॉइंट्स हैं ये मेन पॉइंट्स हैं पॉवर्टी के, बाकी अन्य बहुत सारे पॉइंट्स भी सॉवर्ड हो गए, इलिटरेसी हो गया। आपको पता है कि अगर अशिक्षा रहेगी तो वहाँ पर क्या होगा कि एक जो आपकी इफिशियंसी है किसी भी कार्य को करने के लिए वो डाउन होगी, और जब आपकी इफिशियंसी नहीं होगी तो आप चाहे से बात करिए आपको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो कम मिलेगी, और जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको कम मिलेगी तो आपको रोजगार कम मिलेगा, और जब रोजगार कम मिलेगा तो आपकी इनकम लो होगी, और जब आपकी इनकम लो होगी तो आपकी लो ऑफ स्टैंडर्ड डाउन होगा, और जब आपका लो ऑफ स्टैंडर्ड डाउन होगा तो आपके आने वाले बच्चे और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ जो है कहीं ना कहीं वो चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड हो, चाहे वो सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन हो, उनमें वो फुलफिल नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट रहे पॉवर्टी के पीछे पॉवर्टी। मेरा जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का वो है करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, यानी कि वर्तमान में सरकार ने, वर्तमान इन द सेंस 2020 नहीं, वर्तमान में मतलब कि पिछला 20-25 साल की आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद, यहाँ पे जो करंट की बात की गई है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात की गई है। तो करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन यानी ये क्या है, तो देखिए अगर बात करें तो करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन इज बेस्ड ऑन 2 प्रैक्टिस, 2 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि भारत में जो गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो पॉलिसीज लाए हैं वो 2 तरीके के हैं। एक ये है कि हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किया जाना चाहिए कि जिससे लोगों को रोजगार मिले, और दूसरा पॉइंट है कि हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि पहला पॉइंट इकोनॉमिक, यानी टू प्रमोट द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, इकोनॉमिकल ग्रोथ, और जो सेकेंड पॉइंट है टू लॉन्च अब मेनी प्रोग्राम बाई द गवर्नमेंट इन द फेवर ऑफ पुअर्स एंड बीपीएल, ओके, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के। तो इस तरीके से देखा आपने कि 2 टाइप के जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की होनी चाहिए पॉवर्टी को रिमूव करने। अब देखिए सब आपका एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एट प्रेजेंट डिस्कस्ड, यानी कि वर्तमान समय में गवर्नमेंट ने कुछ जो पॉलिसीज लाए हैं। पहला अगर बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इट इज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1993, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोगों को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देने का एक मेन पर्पस था, और ये लॉन्च की गई 1993 में। अगर सेकंड की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना है PMGY, इट इज द लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2000। इसका भी ये था कि चूंकि दिस इज रिलेटेड कंप्लीटली टू रूरल एरियाज, और रूरल एरियाज में रोजगार को बढ़ावा देना था। और थर्ड पॉइंट की अगर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नरेगा, यानी कि नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी प्रधान ये क्या कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसको बाद में चर्चा करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में कन्वर्ट कर दिया गया और ये जो है 2005 में लॉन्च की गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टार्टिंग में ये जो योजना इंप्लीमेंट की गई थी वो केवल 200 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया इंडिया के केवल 200 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन उस समय बार बढ़ा कर करके 600 यानी आपका जो है 600 जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें इसको लॉन्च किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति जो बीपीएल के अंतर्गत रहने वाला व्यक्ति है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति है उसको 365 दिन यानी 365 डेज में कम से कम 100 दिन यानी 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट उसको मिले। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड करंट गवर्नमेंट स्टेट या पॉवर्टी एलिगेशन ये दो पॉइंट्स आपने देखा। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है और इसका जो भी रिलेटेड पीडीएफ है आई विल रिसेंटली सेंड टू यू एंड ओके थैंक यू।